کافر غیر مسلم مسلمان وہی لوگ ہیں جو فرمانبردار ہیں۔
मामले में, बहनों के मामले में हम तवज्जो देते। हमारे पंजाब की मिसाल सुनो, पंजाब में यह होता है बहनें बड़ी हो गई तो मैं अपने घरों की मिसाल देता हूं, पंजाब की भाई ले जाते हैं शहर, एक एक सूट लेकर देते, एक एक सूट, कभी खाना खिला देते, फिर उनसे साइन करवा लेते या अंगूठे लगा देते। ये क्या हो रहा होता है, जितने प्लाट है जितनी जमीन है उनसे अपने नाम करवा लेते। ये मैं पंजाब का कल्चर बता रहा हूं। मेरे नबी का फरमान है, कोई शख्स इबादत गुजार हो, परहेजगार हो, तहज्जुद गुजार हो, करते करते इबादत करते करते नेकी करते करते जन्नत के किनारे पहुंच गया, अपना जाने है रूह फरमा रहे कि किसी बहन बेटी की हक में नहक खाकर मर गया तो जन्नत पहुंचा हुआ वापस जहन्नम में पहुंचा दिया जाएगा। हम नहीं ख्याल करते बहनों का, बेटियों का, मां का, बीवी का, उस तरीके का ख्याल नहीं करते मेरे दिलों, जैसे मेरे नबी ने फरमाया है। मैंने किताब में पढ़ा खुतबाते फकीह में हजरत नबी मंडी साहब कहते हैं, एक शख्स था बैतुल्ला में, बैतुल्ला में इबादत करता रहा, निकलता नहीं था बैतुल्ला से, सारी दुनिया के लोग, बैंक नहीं था, लोग इनके पास आकर अमानते रखवाते थे, इतना अमीन इबादत गुजार परहेजगार, ये मरो कैसे, बैतुल्ला में नमाज पढ़ते हुए सजदे में खड़ा हो गया, जनाजा बैतुल्ला के इमाम ने पढ़वाया, जन्नत मौला जो सबसे मुबारक कब्रिस्तान है बैतुल्ला के करीब है जन्नत मौला, तो उसमें दफन हुआ, किसी ने खाब देखा इसको, तीन दिन चार दिन के बाद मौका अल्लाह ने कहा, क्या किया अल्लाह ने, उसने कहा मैं जहन्नम में हूं, था क्या सबसे बड़ा इबादत गुजार परहेजगार, बैतुल्ला से निकलता नहीं था, सिर्फ वजू के लिए निकलता था, वो थोड़ा सा खाने के लिए निकलता था, नहीं जाता था कहीं, सारी जिंदगी ऐसे हो, सारी जिंदगी इबादत कदर गुजरी, या तो तवाफ करता सारा दिन, या नफल करता बैतुल्ला में सारा दिन, या तिलावत करता, जब मर गया ना बाप को देखा किसी ने, माफ कर लिया बेटा, उसने कहा मैं जान नाम दे, क्यों जान गया ना, इतना बड़ा इबादत गुजार परहेजगार, इतना बड़ा आबिद जाहिद मुत्तकी अमानतदार, जानने में क्यों, उसने कहा मेरी अकेली थी, वो बहन मुझसे नाराज थी, मैं इबादत के घुलंद में, बैतुल्ला के घुलंद में, अपने जोहद और तकवा के बुलंद और गुरूर में बहन को राजी कर सका, जब मैं मर गया तो मैंने कहा मेरे बूढ़े तूने बातें की रियाजतें की मुजाहिदे किए इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तू मेरी एक बंदी को नाराज करके आया है, तेरी इबादत की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ने सारी जिंदगी की इबादत वो बर्बाद कर जहन्नम में फेंक दिया। इतना
परेशानी आ गई, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा कि मुझ पर तंगी क्यों आ गई, मैं तो नवाब खानदान का हूं, परेशानी क्यों आ गई, खाना नहीं मिलता, नाश्ता नहीं मिलता, परेशानी है। तो मुझसे क्या जुर्म हुआ, कभी याद करते करते मुझे याद आया मेरा मामू मुझसे नाराज। हालत खुद लिखते हैं अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, खुद लिखते हैं कि मैं जैसे जहन में याद आया मेरा मामू नाराज है, मैं सीधा गया मामू के पांव में टोपी रख दी, मिन्नत की, मैंने उसको लहरा तक गया पांव में टकरा दी, मामू मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे, मैं माफी मांग गया हूं। तो मामू को गले लगा लिया, जिस वक्त मामू ने मुझे माफ कर दिया, हालात जो इतना तंग थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता था, फिर यूं पैदा खाए हालात ने, बादशाह फहद अकेला जहाज मेरे लिए भेजता था, बंबई से मुझे उठाता था, सऊदी अरब ले जाता था, अकेला बादशाह मेरे इस्तकबाल करता था। इनके ऐसे हालात तब्दील हुए मामू को राजी करने के बाद, वो जब नाराज था दुनिया तंग हो गई थी मुझ पर, मेरे लिए सारी दुनिया घूमकर आपको बता रहा हूं, जो शख्स बहन को तंग करता है, बीवी को तंग करता है, मां को तंग करता है, कभी खुश नहीं होगा। ये जो आपकी मां सभी नहीं, ये यूं समझो मेरे घर के आदमी है, मैं पहले कैदाबाद में इनके प्रेस में रहता था, मैं बहुत नहीं था घर में जाती था, ये मेरे घर के आदमी है, इनके घर के थे, इनका घर इनके बारे जैसे जैसे मेरे बारे में, इनके बारे ऐसे जैसे मेरे बारे था, इतना एहतराम करते, उनके घर के करीब मैं यहाँ भी रहता था, उसके बाद अभी फेडर दिया जो घर में रहता हूँ, बड़े अच्छे बाद आगे से मुलाकात हुई, यहाँ मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना आबादी होगी है, ये अपना यह बात हो गई, मुझे पता होता था पहले। उनके घर के करीब एक साहब था, उनके अमीर साहब, उनके घर के मैं नाम पता था, उनको नाम पता नहीं, कीमत होती है, उन्हें सब तक परेशान हूँ, मैंने कहा माँ से नाराज तो नहीं हो, गुस्सा पूछना, हाँ माँ ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, मैंने किया सुरंदा माँ सुरस, मैंने कहा देखो आप अभी चले जाओ, माँ के कदमों में सब रख के माफी मांग लो, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो किसी शोबे में था, वो शोबा नहीं बताना चाहता, होते थे बाप आदमी को पता चल गया, शोबे में था, बस मैं कहा जाओ तुम जाए से निकाल दिया, कहते मैं परेशान हूं, मैंने कहा तेरी या तो माँ नाराज है, या बहन नाराज है, या कोई करीबी रिश्तेदार, उसने कहा मां से तरफ फटा हुआ, मैंने कहा जाओ जब तक मां माफ नहीं करेगी आपको नहीं रखेंगे, ये परेशानी बढ़ती जाएगी। आप यकीन करें उस शख्स ने झूठते हुए मुझे कहा, हमेशा चोर मारा, उनके घर के कई था, मुझे कहता अगर मैं मां से माफी मांगूंगा मां मेरे सर पर चढ़ जाएगी, पर हर रोज काम करेगी, जो मुसलमान इस तरीके का घटिया सोच रखता हो वो कहां सुकून पाएगा, कहां सुकून इज्जत मिलेगी, तजर्बा करके देख ले, कभी परेशानियां खत्म नहीं हो सकती उस शख्स की जो बीवी से लड़ता हो। मैं आपको कहूं ये ऐब लगता है हमारे पंजाब में, ये ऐब है कि अगर बीवी से अच्छे, मेरे नबी क्या फरमाए, मेरे नबी फरमाए मैंने जन्नत में देखा अक्सर लोग वही है जन्नत में जो घर वालों का ज्यादा ख्याल करते हैं, दौड़ने की जरूरत नहीं थी मेरे दिलो, मुझे रात को बताना था बीवी को खुशी के लिए दौड़ना भी पहले तो दौड़ लगाना, वरना नबी क्या दौड़ने के लिए आया था, मेरे नबी ने सबको करके दिया, मेरे नबी को तकलीफ पहुंची घर से, ये कुरान में भी हदीस में है, वहां से पूछ लेना, नबी ने हम क्या करते हैं हमारे पंजाब में ये तलाक दे देते, हमारे पंजाब मारते इतना मारते हैं कि हाथ मुड़ा कर देते हैं औरत को, मेरे नबी ने क्या किया, घर वालों से तकलीफ पहुंची, मेरे नबी ने उनको नहीं निकाला, तलाक दी, खुद घर छोड़ दिया, एक महीने के लिए कसम खाली में कर नहीं आऊंगा, ये मेरे नबी की सुन्नत है, खुद अपने आप को तकलीफ दी, बीवी को घर वालों को तकलीफ नहीं दी, अपना घर छोड़ दिया, खुद घर छोड़ दिया, घर वालों को नहीं छोड़ाएगा तलाक देता हूं, ये मेरे नबी ने करके दिखाया। तो मेरे नबी को माफ नहीं कर रहा था, हम जिस दर्जे के नाम फरमानियत करते गए ना, मां बाप के मामले में, बीवी के मामले में, बहन के मामले में, बेटी के मामले में, उसी दर्जे में काफिरों को मौका मिलता गया, वो प्रोपेगेंडा करते गए। आज का दिन इस्लामाबाद में कुछ औरतों ने जुलूस निकाला है, आज के दिन अमीर को दो इस्लाम से ज्यादा हक किसने दिया औरत को,
اسلام سے زیادہ مرتبہ کسی نے دیا ہوگا آپ کو؟ جنت عورت کے قدموں تلے رکھنی میرے دیدو، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا؟ کہاں ڈھونڈتے ہو جنت؟ روزہ نماز حج سر آنکھوں پر، ذکر سر آنکھوں پر، تہجد سر آنکھوں پر، قربانی سر آنکھوں پر، جنت کہاں ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ تمہارے گھر میں ماں ہے، اس کے قدموں تلے جنت ہے تمہاری۔ اس درجے کا عورت کو مقام قابو نے نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے تو دفن کر دیتے تھے بچی کو، زندہ دفن کر دیتے تھے، اسلام نے آ کر بلندی دی ہے، اسلام نے آ کر۔ ہم چونکہ بے عمل ہو گئے ہیں، ہم عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کافروں کو موقع مل گیا، ہماری عورتوں کو استعمال کر کے جلوس نکلوا رہے ہیں۔ میرے دیدو، تقدیر تبدیل کرواتی ہے عورت، تقدیر آپ کی تقدیر آپ کو جنت بھجوا سکتے ہیں۔ میں تو ایک ریس ہوں، ایک صحابی نے اپنی بچی کی تربیت دی، شادی کر دی، خود بھی صحابی، جس کو نکاح دیا صحابی، انہیں کچھ عرصہ جانا پڑ گیا، ان کو گھر بھی غریب صحابی تھے، گھر بنا کے دے دیا، اوپر فرد فلو پر نیچے خود رہتے تھے، سسر صحابی اوپر فرد فلو پر، یہ دماد صحابی، دماد کو نبی نے ان سے سننے کے لیے بھیجا، گھر میں انہوں نے راشن دے دیا، خرچہ دے دیا، کہتے ہوئے چلے گئے کہ گھر سے باہر نہ جانا، سارے گھر کی ضرورتیں تمہارے گھر بنے، باہر نہیں نکلنا۔ اللہ کا کرنا، یہ اوپر ہے بیٹی، شوہر جا رہا ہے، نیچے بھائی اور بہن ماں باپ ہے، باپ بیمار ہوتا ہے، صحابی بھائی جاتے اوپر، ابا بیمار ہے، اور ڈاکٹروں نے کلیو سمجھے، اس وقت کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، بیٹی کیا کہتی ہے؟ میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ آنے کے نیچے آنا ہے، صرف اوپر سے نیچے آنا ہے، طبیعت بھی اسی باپ نے کی ہے، وہ نیچے بیمار ہے، دونوں کو سب سنا تو لے تشریف لے گئے دنیا سے، فوت ہو گئے، بھائی گیا، ابا جان فوت ہو گئے، اب آئے آخری دیدار کر لیں، پھر قیامت کے دن جنت میں دیدار ہوگا، میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے۔ نبی تشریف لاتے، سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھتے، قبر پہ تشریف لے جاتے، دفن کرواتے، جبرائیل آ جاتے، یا رسول اللہ خوشخبری سنا مجمع کو، اس صحابی کی زندگی بھر کی جو خطائیاں غلطیاں تھیں، بیٹی کی تربیت کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے جنت میں آنا۔ میرا دیدو، یہ جو بچی ہمیں سنا رہی تھی، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ میرا دیدو، کبھی کافروں کو موقع مل رہا ہے، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف، میری اور آپ کی وجہ سے اسلام کے خلاف غیر پروپیگنڈا کرے تو میرا دیدو ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، ہمیں دبا کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی، میرے اور آپ کی کوتاہی کی وجہ سے کافر ہماری بہنوں کو استعمال کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، میرے نبی کے خلاف، میرے اللہ کے خلاف، تو قصور ہمارا ہے میرے اللہ کا نہیں، قصور ہمارا ہے میرے نبی کا نہیں، قصور ہمارا ہے میری شریعت کا نہیں، تو میرے دیدو ہم طے کر لیں، یہ بیٹی، یہ بہن، یہ جنت کا ذریعہ ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا، تجربہ کر دیکھ لیں، جو شخص سے ناراض ہے کبھی خوش نہیں ہوگا، جو شخص بیٹی کی تربیت میں کوتاہی کرتا ہے کبھی خوش نہیں ہوگا، جو ماں باپ ماں کا نافرمان ہے، میرے دیدو ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضرت علقمہ صحابی ہے، اللہ نے استعمال فرمایا صحابہ کو، شریعت مکمل کرنی تھی، جو کام شیان شان تھے نبی کے، اللہ نے میرے نبی کو استعمال فرمایا، جو شیان شان نبی کے نہیں تھے، ماں باپ کی نافرمانی نبی صحابی کو استعمال فرمایا، اللہ نے استعمال فرمایا، کوئی صحابی گستاخ بے ادب نہیں تھا، سارے جنتی تھے، رضی اللہ عنہ نے ان کا مصداق بنا دیا اور اللہ نے ان کو جنت کا حقدار بنا دیا، لیکن مجھے اور آپ کو دکھانا تھا، بتانا تھا کہ ماں کے حق میں کرو گے ایسے نہیں ہوگا، آخری وقت ہے، حضرت علی صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہے، موت ہچکی رکھتے ہیں، یہ ہچکی اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، ساری دنیا کی تکلیفیں اکٹھی کر لے ہیں، ایک ہچکی کی تکلیف بھاری ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کہ یا رسول اللہ ہچکی لگی تکلیف ہے، صحابی ہے، حضور نے فرمایا کہ ماں کو بلاؤ، ماں آگے، آپ اس کو معاف کرتی ہو، میں خلاصہ سنا رہا ہوں، میں معاف نہیں کرتی، تکلیف دی ہے مجھے، اس نے دکھ دیا ہے، فرمایا کہ لکڑی اکٹھے کرو تاکہ ان کو جلا دے، صحابی کو جلا رہا ہے، کون؟ میرا اور آپ کا نبی۔ ماں نے جب سنا، ماں تو ماں ہے،
हम नाफरमानियां करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम बीवी में बच्ची में मगन हो जाते हैं, हम दुनियादारी में खो जाते हैं, माँ बाप कभी नहीं भूलते। हम मगरब से मुतासर होकर माँ बाप का अदब में कमी करते हैं, कोताही करते हैं, क्योंकि कल्चर आ गया है सोशल मीडिया से। माँ बाप पूरी कायनात के सबसे बड़े पीर आपकी माँ और के बाप हैं, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा कुबर हम दुआ के लिए जाते हैं, कुबर के पास सलाखों पर दो रुक जाए, बैतुल्ला चले जाते हैं दुआ के लिए सलाखों पर दो रुक जाए, पता नहीं किस किस मजलिस में खानकाह में जाते हैं दुआ के लिए सलाखों पर। सारी दुनिया की खानकाह है, सारी दुनिया के औलिया आपकी माँ का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम कोताहियां करते हैं मगरब को काफिरों को इसलिए मोहलत मिलती है। तो मेरे दिलो मैं नहीं कर रहा था, अजीब रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसके लिए, जो सहाबी भी नहीं ताबी है, सहाबी नहीं ताबी है, सहाबी को देखा है हुजूर को नहीं देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, सारे जन्नती जन्नत जा रहे होंगे। खुलासा सुना रहा हूं, ये भी जा रहा होगा, ये यमन का है, कर्म कबीले का है, जन्नत पहुंचा दो क्या नेकी थी मां का फरमा बरदार था। अगर मां की फरमा जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत में हजरत उमर है, एक रिवायत में वो नबी करीम कि सहाबी या ताबी, यहां कंधे पर मां को तो आज भी मैंने देखा, कई लोग आज भी तवाफ करवा रहे होते मां को कंधे पर उठाकर। मेरे कबीले पिछले साल के सफर में मदीना मुनव्वरा में मेरे साथ मेरी कबीले में एक आदमी अपना लाहौर का था, मां को वुजू भी करवाता था, कपड़े भी देख लो, वो बेचारी माजूर थी। आज भी है इनके अल्लाह वाले जो मां बाप का इस दर्जे के इकराम करते हैं, लेकिन ऐसे भी है जो टांग पे टांग चला के बैठे होते हैं, मां घर में सफाई कर रही होती है कि मेहमान आ गए खड़े हो जाते हैं, जरूर खड़े हूं, उस्ताद आ गए खड़े हो जाते हैं, जरूर खड़े हूं, हक के दोस्त आ गए खड़े हो जाते हैं, इस्तकबाल करते हैं, जरूर खड़े हूं, लेकिन आपके सारे दोस्त आपके सारे साथ आंखों पर मां का मुकाबला नहीं करते, दोस्त के सामने बैठने के लिए तैयार नहीं, मां के सामने टांग पे टांग के रह के बैठा होगा, दोस्त के पांव तले जन्नत नहीं है, उस्ताद का रुतबा सर आंखों पर, उस्ताद के कदमों तले जन्नत नहीं है, मां के कदमों तले जन्नत है, चाहे वो मां जिस तरह की भी हो। ये ना देखे ये ऐसी ऐसी ऐसे बदबख्त भी देखे कि मेरे मां मेरे ने किया क्या है, मैं गुरबत में रहता हूं, माइक अफसर है ग्रेड का, तो मेरी मां की पेंशन बहुत ज्यादा है, कई लाख है, क्या हमारा कोई हक नहीं, खुद 19वें ग्रेड का अफसर है, 19वें आपको बता रहा हूं, कोई नहीं जानता 19वें, 19वें ग्रेड का अफसर है, मां की पेंशन पर भी नजर है, क्या हमारा कोई हक नहीं, मुझे कह रहा है फतवा दो, फतवा दो कि जो मेरी मां की Assalamu alaikum, peace be unto you.